हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि पोको M6 5G फ़ोन में आप लोग रैम को कैसे बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास एक पोको M6 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो आपको रैम को इनक्रीज़ करना है, आपके फ़ोन में अगर 4 GB रैम या 2 GB या 6 GB रैम है, तो अगर आपको जो इनक्रीज़ करना है, रैम को जो थोड़ा सा बढ़ा देना है, यहाँ पर आपको वर्चुअल रैम देखने को मिलेगा गाइस, जहाँ पर से आप लोग जो है 2 GB या 1 GB रैम जो है आप लोग बढ़ा सकते हो और आपका जो फ़ोन है थोड़ा सा फास्ट भी चलने लग जाएगा क्योंकि रैम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में रैम को इंक्रीज़ कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रैम को इंक्रीज़ करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस एडिशनल सेटिंग्स का। तो इस एडिशनल सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे ही एक ऑप्शन मिलेगा गाइस मेमोरी एक्सटेंशन का। तो इस मेमोरी एक्सटेंशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करती है जो ऑप्शन है गाइस मेमोरी एक्सटेंशन का, इसको आपको ऑन करना होगा, जैसे कि मैंने ऑन करके रखा है गाइस। जब आप लोग इसको ऑन कर दोगे तो आपका जो रैम है गाइस वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। देख सकते हैं 0.50 GB रैम जो है मेरे फ़ोन में इंक्रीज़ मैंने करके रखा। आपके फ़ोन में और भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकते हैं, 1 GB या 2 GB, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर से आप लोग इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। ऑन करने के लिए स्विच पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रीबूट का ऑप्शन आएगा। रीबूट पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो फ़ोन है गाइस वो स्विच ऑफ हो गया, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और आपका रैम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने पोको M6 5G फ़ोन में रैम को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।